नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो है बीसीसीएल के वैकेंसी के मद्देनजर, और इसमें जो सिलेबस दिया है उसमें क्या है कि मशीनरी को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। इसलिए मैं सबसे पहले अभी आपको दे रहा हूं ओपन कास्ट मशीनरी, इसके बाद तुरंत मैं दूंगा अंडरग्राउंड मशीनरी, ठीक है। तो ओपन कास्ट मशीनरी में आज हम लोग का ये लास्ट सेशन चल रहा है ड्रिल मशीन। ओपन कास्ट में अगर ब्लास्टिंग करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले होल करना होगा, ड्रिल करना होगा, फिर उसमें बारूद डालेंगे और फिर हम लोग ब्लास्ट करेंगे, यही होता है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का क्या है चैप्टर, ओपन कास्ट ड्रिल मशीन, ठीक है। पहला आता है रॉक ड्रिल। पहला क्वेश्चन है कि रॉक ड्रिल के होल का डायमीटर क्या होता है। क्या है क्वेश्चन, कि रॉक ड्रिल के द्वारा किए गए होल का डायमीटर क्या होता है। क्या होता है, नॉर्मली अप टू 100 mm, यानी रॉक ड्रिल क्या करेगा कि जनरली 100 mm से ऊपर का होल मारेगा, नॉर्मली अप टू 100 मीटर होल मारता है। कौन मारता है, रॉक ड्रिल, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, जैक हैमर ड्रिल किस प्रकार का ड्रिल है। पहला क्वेश्चन आता है जैक हैमर ड्रिल में ये किस प्रकार का ड्रिल है। तो ये भैया कैसा ड्रिल है, कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड ड्रिल। क्या है, कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड ड्रिल। क्या करता है इसमें देखोगे, जब जैक हैमर ड्रिल करता है ना तो बगल से हवा मारता है, एकदम आवाज आते रहेगा साय 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 साय। वो क्या करता है कि जो आपका जो डस्ट रहता है उसको वो बाहर फेंकते रहता है, समझे। तो जैक हैमर किस प्रकार का ड्रिल है, कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड ड्रिल। अगला क्या है कि इसका वेट कितना होता है, जैक हैमर ड्रिल का वेट कितना होता है, कितना होगा, 15 से 25 किलो इसका वजन होता है। जैक हैमर ड्रिल का वेट कितना होगा, 15 से 25 किलो। आगे आता है कि जैक हैमर ड्रिल से भाई कितना डाया का होल लगाया जा सकता है या लगाते हैं। क्या है क्वेश्चन, कि जैक हैमर ड्रिल से कितना डाया का होल लगाते हैं या लगता है, कितना, 30 mm से लेके 38 mm, कितना 30 से 38 और नियरली 50 mm तक। कभी कभी ये जैक हैमर क्या करेगा कि एडजस्ट करके करीब करीब 50 mm का होल भी मार सकता है। एक्यूरेट साइज की बात कीजिए कि जैक हैमर ड्रिल कितना डाया का होल मारेगा, तो 30 से 38, लेकिन अगर जुगाड़ बढ़िया है तो ये करीब करीब 50 mm का होल भी मार सकता है, लेकिन ये एडिशनल चीज है, ठीक। अब आ गया कि जैक हैमर ड्रिल जो है होल करेगा तो वो कितना डेप्थ तक करेगा, जैक हैमर ड्रिल जो होल करेगा वो कितना डेप्थ तक करेगा, कितना डेप्थ तक, 3 मीटर, कितना डेप्थ तक, 3 मीटर। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि जैक हैमर ड्रिल का जो ड्रिल रॉड होता है वो कैसा होता है। क्या है क्वेश्चन, कि जैक हैमर ड्रिल का जो ड्रिल का रॉड होता है वो कैसा होता है, वो होता है हेक्सागोनल इन क्रॉस सेक्शन। कैसा होता है, हेक्सागोनल इन क्रॉस सेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैक हैमर ड्रिल का कि इसका ड्रिल का रॉड कैसा होता है, कैसा होता है, हेक्सागोनल इन क्रॉस सेक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैक हैमर मशीन एक शिफ्ट में या 8 घंटा में 2 आदमी मिलकर कितना होल कर सकता है। क्या क्वेश्चन, कि जैक हैमर ड्रिल मशीन एक शिफ्ट या 8 घंटा में 2 आदमी मिलकर कितना होल कर सकता है, कितना होल करेगा, 60 होल। कहां करेगा, 1.2 से 1.5 mm डीप इन सैंड स्टोन या लेटेरिट। कितना है, 60 होल करेगा और कितना मीटर का करेगा, 1.2 से लेके 1.5 मीटर का डीप इन सैंड स्टोन लेटेरिट, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि जैक हैमर ड्रिल जो है वह कितना एयर कंज्यूम करता है, कितना है, कितना एयर कंज्यूम करेगा जैक हैमर ड्रिल आपका, कितना एयर कंज्यूम करता है, कितना करता है, जनरली
2 से लेके 2.5 क्यूबिक मीटर ऑफ फ्री एयर पर मिनट। क्या है? 2 से लेके 2.5 क्यूबिक मीटर ऑफ फ्री एयर पर मिनट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वैगन ड्रिल की। अब आ जाइए आप लोग, बड़ा ड्रिल मशीन आ गया भैया। ओसीपी में बड़का पैच में अगर होल मारना है, 6 मीटर का अगर होल मारना है, तो उसके लिए हम लोग कौन मशीन का इस्तेमाल करते हैं? वैगन ड्रिल मशीन का। सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि वैगन ड्रिल कितने डाया और कितने लंबे होल कर सकता है। तो डाया की अगर हम बात करें तो ये 50 mm से लेके 100 mm डाया का होल मारेगा। वैगन ड्रिल मशीन कितना डाया का होल मारेगा? 50 से लेके 100 mm का। और अगर लेंथ की बात करें, कितना लेंथ का होल मारेगा? तो 3 मीटर से लेके 15 मीटर तक। ठीक है, वैगन ड्रिल मशीन 8 घंटा या 1 शिफ्ट में कितना मीटर लंबा होल मारता है? क्या है? वैगन ड्रिल मशीन पर शिफ्ट या 8 घंटा में लगभग कितना मीटर लंबा होल मारेगा? कितना मीटर? 60 से 70 मीटर। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन? कि वैगन ड्रिल कितने इंक्लाइन एंगल तक ड्रिलिंग कर सकता है? क्या है अगला क्वेश्चन? कि वैगन ड्रिल कितने इंक्लाइन एंगल तक ड्रिलिंग कर सकता है? कितने इंक्लाइन एंगल तक? 40 डिग्री। 40 डिग्री इंक्लाइन डिग्री एंगल का इंक्लाइन तक जो है वैगन ड्रिल ड्रिल कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कि वैगन ड्रिल कितना एयर कंज्यूम करता है? कितना एयर कंज्यूम करता है? 8 से 19 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ फ्री एयर एट 6 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा टेढ़ा, अच्छे से लिख लो, अच्छे से याद करना कि वैगन ड्रिल कितना एयर कंज्यूम करता है। कितना करता है? 8 से 19 क्यूबिक मीटर पर 5 मिनट ऑफ फ्री एयर एट 6 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वैगन ड्रिल के बीट का डाया कितना होता है? वैगन ड्रिल के बीट का डाया कितना होता है? कितना होता है? 60 mm to 70 mm, और कभी कभी कितना होता है? सम यूज 100 mm। क्वेश्चन क्या है मेरा? कि वैगन ड्रिल के बीट का डाया क्या होता है? क्या होता है? 60 से लेके 70, लेकिन कभी कभी हम लोग 100 mm का भी यूज करते हैं। ठीक है, अब बारी आता है डाउन द होल हैमर। किसका बारी आ गया? डाउन द होल हैमर पर मिनट में कितना आघात करता है, कितना स्टॉक करता है? डाउन द होल हैमर कितने जल्दी जल्दी स्टॉक करता है? कितना करता है? 500 से लेके 2400। डाउन द होल हैमर पर मिनट कितना बल्स आघात करता है? कितना करता है? 500 से लेके 2400। अगला क्वेश्चन क्या है? कि डाउन द होल हैमर का रोटेशनल स्पीड क्या है? डाउन द होल हैमर का रोटेशनल स्पीड क्या है? क्या है? 15 से 25 rpm। डाउन द होल हैमर का रोटेशनल स्पीड क्या है? 15 से 25 rpm। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल्को ड्रिल डाउन द होल हैमर टाइप 100 का डाया साइज क्या होता है? क्या है हाल्को ड्रिल? ये हाल्को ड्रिल क्या है? कंपनी का नाम हो गया। डाउन द होल हैमर है, ये ड्रिल मशीन का नाम हो गया। और इसमें जो टाइप 100 है उसके डाया का साइज क्या है? तो भैया उसका डाया का साइज है 100 से लेके 125 mm। कितना है? हाल को ड्रिल डाउन द होल हैमर का टाइप 100 का डाया साइज क्या है? तो 100 से लेके 125 mm। क्लियर? चलो अगला क्या है? अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो है आउटसाइड डाया, हाल्को ड्रिल डाउन द होल हैमर जो है इसका आउटसाइड डाया कितना है? 89 mm। लेंथ विदाउट बीट कितना है हाल्को हैमर का? 94। और वेट विदाउट बीट कितना है? 31 kg। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हाल्को ड्रिल डाउन द होल हैमर का आउटसाइड डाया कितना है? 89। लेंथ विदाउट बीट कितना है? 94 cm। विदाउट बीट जो इसका वेट है वो कितना है? 31 kg। और कितना एयर कंज्यूम करता है?
7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। कितना एयर कंज्यूम करता है हाल को, तो 7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। क्लियर। चलिए अब बारी आता है हाइड्रोलिक वैगन व्हील मॉडल का। क्या है मशीन? हाइड्रोलिक वैगन व्हील मशीन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, इसका एक मॉडल है आरओसी 810H, हाइड्रोलिक वैगन व्हील मॉडल आरओसी 810H का मैन्युफैक्चर कौन करता है? कौन करता है? एटलस कंपनी इंडिया लिमिटेड। कौन करता है? एटलस कंपनी इंडिया लिमिटेड। ये जो मशीन है हाइको वैगन व्हील मशीन, ये किस प्रेशर पे चलता है? तो ये चलता है हाइड्रोलिक प्रेशर पे। हाइड्रोलिक वैगन व्हील मशीन किस प्रेशर पे काम करती है? तो ये करती है हाइड्रोलिक प्रेशर पे। किस टायर का होल मारता है ये? तो ये मारेगा 65 mm to 127 mm। हाइड्रोलिक वैगन व्हील किस डाया का होल मारता है? तो 65 mm to 127 mm का डाया का होल मारता है। किस डेप्थ का होल मारता है? तो भैया ये 12 मीटर डेप्थ का होल मारता है। ठीक है, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल मशीन कितने कंप्रेस्ड एयर से होल को साफ करता है? कितने कंप्रेस्ड एयर से? 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से यह क्या करेगा? होल को साफ करेगा। कितने कंप्रेस्ड एयर से होल को साफ करेगा? 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगला क्या है? ये किस स्पीड से होल मारेगा? हाइड्रोलिक वैगन व्हील किस स्पीड से होल मारता है? तो 1 मीटर पर मिनट यूजिंग 90 mm डायामीटर, यानी 1 मीटर पर मिनट के हिसाब से, और उसमें जो बीट इस्तेमाल करेगा वो 90 mm का बीट इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये आपका ओसीपी का ड्रिल मशीन भी यहां मोटा मोटी आपका खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो वो करेंगे हम लोग किसका? अंडरग्राउंड मशीन का बात करेंगे। ठीक है, चलते चलते आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा, आप लोग इसी तरह मेरी तरफ जुड़ते रहिए, और मेरा जो ऐप है माइनिंग विथ मनोज के नाम से, आप एक बार उसको अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, और उसके ऑल पैकेजेस में जाके देखिए कि वहां बीसीसीएल के वैकेंसी को लेके मैं बहुत सस्ते रेट में 3-4 आपके लिए कैटलॉग रखा हूं। एक बार उसको जाके देखिए, दिलचस्पी हो ले, और जरूर एक बार खरीद के अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत करें। दोस्तों चलते चलते पुनः गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बांटिए, शेयर कीजिए, और भैया अगर मेरा मेहनत पसंद आता है तो एक आध कमेंट जरूर मारिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।